मौजूदगी जनपद अंबेडकर नगर में है और साहब चुनावी माहौल अपने जोरों शोरों पर है और ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि अंबेडकर नगर में कौन चुनाव जीत रहा है। इस समय देख सकते हैं यहाँ पर एक दुकान है और यहाँ पर समोसा गरम गरम निकला हुआ है। तो आइए लोगों से गरम गरम बातें भी करते हैं, आखिरकार इनका क्या माहौल है, इधर किसकी ला रहा है, क्या नाम है आपका? सौरभ यादव। गौरव यादव जी। गौरव यादव जी बताइए इस बार किसकी लहर दिख रही है इधर? जी अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी की लहर दिख रही है जी। अंबेडकर नगर में कौन चुनाव जीत रहा है इस बार? हमें तो लग रहा सर अब की बार अखिलेश यादव ही आएंगे, इधर लालजी वर्मा ही जीतेंगे। जी जी हमारे यहाँ क्षेत्र से। आपके यहाँ से लालजी वर्मा चुनाव जीत रहे हैं अंबेडकर नगर से? जी जी। अंबेडकर नगर में भाजपा से तेज पांडे भी चुनाव लड़ रहे हैं इस बार, अब तक बसपा में थे अब भाजपा में आ चुके हैं, उनका प्रदर्शन किस तरह रहेगा? अभी वो अभी नए हैं, उतना वो नहीं है, वो पुराने अच्छे नेता है सर, अभी लालजी वर्मा जी अच्छे नेता है, उन्हीं वही फिर आएंगे दोबारा, इस बार वही चुनाव जीतेंगे। जी जी। क्या वजह है जो आप लालजी वर्मा जी को पसंद कर रहे हैं? कार्य उन्होंने अच्छा किया यहाँ पे, अभी तो नए हैं, उनको उतनी जानकारी नहीं है, अब पुराने से आते हैं, उनका काम हम लोग देखते हैं, वो उनका अच्छा है, अब वो किसी भी वो उससे रहे, किसी से चुनाव लड़े, लेकिन आदमी जो है काम करने वाले। लालजी वर्मा किसी भी पार्टी चुनाव लड़ेंगे तो चुनाव जीत जाएंगे? जी जी। क्या नाम है आपका? राजन। राजन जी ये बताइए इस बार कौन चुनाव जीत रहा है, किसकी लहर है इधर? इधर वही लालजी वर्मा जी की। लालजी वर्मा जी। लालजी वर्मा चुनाव जीत रहे हैं? उनका व्यक्तिगत व्यवहार बहुत अच्छा है लालजी वर्मा जी का, वो अच्छे व्यक्ति हैं और वो सपा से टिकट भी पा चुके हैं यहाँ से। और काम काज के हिसाब से आपको क्या लगता है इस बार जो है जयेश पांडे जी चुनाव हार जाएंगे? जी बिल्कुल जी। क्या नाम है आपका सर? सुधीर कुमार। सुधीर कुमार जी बताइए सामने लोकसभा का चुनाव है जी, तो ऐसे में किसकी लहर आपको दिखाई दे रही है? लालजी वर्मा। लालजी वर्मा। सब लालजी वर्मा वाले हैं उनकी ही लहर इधर? एकदम एकदम वही चुनाव जीतेंगे एकदम 100%। जयेश पांडे जी तो बहुत खुश हैं कि हम भाजपा में चला गए और भाजपा में जाने के बाद वो चुनाव जीत जाएंगे? नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है। जयेश पांडे जी चुनाव हार जाएंगे एकदम? लालजी वर्मा के अलावा कोई नहीं है, उनका व्यवहार अच्छा है, मित्रता अच्छा है, हर चीज अच्छा है। व्यवहार और मित्रता से किसी भी समाज का विकास नहीं होता, आप जानते नहीं होता है वो तो सही है। लालजी वर्मा ने विकास भी किया है अपने क्षेत्र में, विधानसभा अपने क्षेत्र में किए हैं कि पूरे अपने क्षेत्र में किया है, क्योंकि वो उनका विधानसभा टांडा है, उनके क्षेत्र से आप प्रभावित हैं जी, इसीलिए आप उनको जो सांसद बनाएंगे इस बार? हाँ हाँ बिल्कुल। क्या बात है, क्या नाम है सर आप? सूरज। सूरज जी बताइए इस बार किसकी लहर है अम्बेडकर नगर में? लालजी वर्मा की। लालजी वर्मा जी की लहर है, तो देख सकते हैं अब तक जितने युवा मिले हैं सब कह रहे हैं लालजी वर्मा जी की यहाँ लहर है, क्या वजह है जो आप सभी लोग पसंद कर रहे हैं लालजी वर्मा जी को? वो उनका जो कार्य शैली है बहुत अच्छा, वो विकास के प्रति उनका जो है ध्यान बहुत है, अपने क्षेत्र में काम भी किए हैं तो इस वजह से सभी का ध्यान उन्हीं पे है। तो क्या लगता है आपको रितेश पांडे जी किस तरह प्रदर्शन करेंगे इस बार? रितेश पांडे जी बसपा को छोड़ के जो है भाजपा में चले गए हैं, तो अगर बसपा में होते तो उनकी जो है सपोर्ट बहुत रहता, लेकिन अभी जो है वो लोगों के विचारधारा में ये है कि वो दल बदलू हैं और पार्टी को छोड़ के चले गए हैं, तो इस वजह से इस बार लहर लालजी वर्मा की है। अच्छा अच्छा। तो आप बताइए अगर रितेश पांडे जी बसपा में होते क्या वो चुनाव जीत जाते हैं? हाँ एकदम जीते भी हैं बसपा से। अच्छा और क्या, बसपा के सांसद रह चुके हैं भाई। अगर वो बसपा से ही चुनाव लड़ते तो वो चुनाव जीत जाते? जीत जाते, भाजपा छोड़ के वो कहीं सपा में होते या बसपा में होते चुनाव जीत जाते वो। कहने मतलब भाजपा में आना इनका सही नहीं है। अच्छा दादाजी क्या कहेंगे इस बार, आपके यहाँ किसकी लहर है अम्बेडकर नगर में? अम्बेडकर नगर में किसकी लहर है? हम कहा जाने मर्दवार देहाती मरई यही। हम किसको आप इस बार चुनाव में जिताएंगे, किसको वोट देंगे आप? जब समय आए तब देखा जाए। आप छुपा रहे हैं, युवा लोग तो बोल रहे धड़ा धड़ा, अब लोग टहरे घूमे वाला है। आप भी तो वोट करेंगे ना, आपको किस सरकार से फायदा है? समझ आए तब साइकिल वाले से फायदा है, कमल वाले से फायदा है, कि हाथी वाले से फायदा है, कि हाथ की पंजे वाले से फायदा है, किससे फायदा आपको?
हम कहा जाने भाई नहीं। क्या कहना चाहेंगे आप, किसकी लहर इस समय? भाई लहरिया तो सब बता रहे, यही कमल के फूल का और क्या बता। अच्छा, कमल का फूल का लहर है, अभी इधर बता रहे थे कि साकिल की लहर है। नहीं वो तो है, लेकिन केंद्र में बनेगी अम्बेडकर नगर से, आप बताइए किसकी लहर। अब यहाँ से भाई जो है, हम तो देखिए आजमगढ़ जिला का, हम यहाँ जा रहे हैं सफर अकबरपुर में। अच्छा अच्छा। हाँ, हमारा घर आजमगढ़ है। हाँ। वहाँ जीत हमारी साइकिल वाली है। हाँ। अखिलेश भैया वाली, वहाँ हम लोग पांचों सीट, दसों सीट विधायक का, दो सांसद का, सब वही आती है बराबर है। अच्छा अच्छा। तो अम्बेडकर नगर से आप बता दीजिए कौन जीत रहा है। अब भाई कैसे बताएं, हर क्या अनुमान लग रहा है इस बार? हाँ? जो है भाजपा यहाँ पे कमल खिलाएगी या साइकिल यहाँ पे दौड़ेगी? नहीं कमल तो नहीं खेले, साइकिल दौड़ेगी, साइकिल दौड़ेगी। क्या नाम है, क्या नाम है महोदय आपका? काकरवा नाम हमारा। इस बार किसको आप पसंद कर रहे हैं, किसकी लहर है यहाँ पर? लालजी वर्मा। लालजी वर्मा जी की लहर है। क्या वजह है कि आप लालजी वर्मा जी को इतना खूब जो है पसंद कर रहे हैं? अब का वजह बता दी तुम्हें। हाँ, हम वोट दिए वो नहीं, क्या और का भाई? वोट देने के लिए वजह होती है, आप उनके विकास से पसंद है, उनके कार्यों से पसंद है, क्या वजह है? वह कौन विकास करिए जब सरकार में ना है भाई? क्यों नहीं विकास करेंगे? हर हर जो है सांसद विधायक का एक कोटा होता है, उसके साथ सम्मान निधि प्राप्त होता है उन्हें। तो यह कोनो विधायको ना है न सांसद है। तो बताइए भाई, चुनाव जब जीतेंगे तो भाई उनको पैसा पास होगा, कराएंगे काम? अरे जब चुनाव जीती है तब कर रही है। तो आप लोग जिता रहे हैं ना वोट देकर? बिल्कुल, हम तो जिताई भाई। हाँ हाँ। तो अर्कित पांडे जी हार रहे हैं? उन्हें ना दिए वोट, चाहे हारे चाहे जीते। अच्छा अच्छा। आप बता रहे हैं कि इस बार साइकिल यहाँ पे दौड़ेगी? जी, इस बार कहीं पंचर ना हो जाए, बताइए। पंचर नहीं होगी भैया। हाँ, क्योंकि यहाँ हमारे क्षेत्र से पंचर नहीं होगी साइकिल। हाँ। साइकिल ही यहाँ दौड़ेगी। जय जो सरकार। अगर साइकिल पंचर हो गई तो कमल खिल जाएगा? नहीं तो पंचर हुई तो बनाई ना वो काम। हाँ, आप बताइए, बसपा से मोहम्मद कलाम चुनाव लड़ रहे हैं? बसपा उस वक्त ना दे भाई, बात सुन लीजिए मेरी। बसपा से मोहम्मद कलाम चुनाव लड़ रहे हैं, वो पूरे मुसलमानों का वोट ले जाएंगे। अल्लाह याद है ना हमें। और जो है इधर आपके जो है लालजी वर्मा जी चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ। ये वर्मा और यादव समाज के वोट पाएंगे। हाँ, हाँ। तो ऐसे में समाज बढ़ जा रहा है, भाजपा फायदे में पा रही है। भाजपा का परसेंट उठवाए भाई। हाँ। और समाज के लोग तो वोट देंगे उनको? नहीं, भाजपा का परसेंट उठवाए बता दे हमें, कितना ठाकुर बाबा नहीं जो है उनका वोट दी है। तो क्या लगता है इस बार साइकिल दौड़ जाएगी? बिल्कुल दौड़ी। चलिए, बहुत आपने अच्छा सुझाव दिया है। आइए कुछ और लोगों से भी बात करने का प्रयास करते हैं। बताइए किसकी ला रहा है यहाँ पर? साइकिल, साइकिल, साइकिल की ला रहा है, साइकिल की ला रहा है। बिंदास आएंगे? हाँ, साइकिल की ला रहा है। साइकिल तो कमल का फूल नहीं खिल पाएगा? हाँ। और हाथी चल नहीं पाएगी? हाथी चलेगी नहीं, हाथ चल नहीं पाएगी। और जो हाथ का पंजा है? साइकिल सिर्फ आएगी बस। साइकिल फुल सपोर्ट, साइकिल आएगी, साइकिल को फुल सपोर्ट, फुल सपोर्ट।